अमित चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हिंदू जागरण युवा वाहिनी हिंदू जागरण पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुका है। मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे हैं तेज ध्वनि के और सड़कों पर जो नमाज पढ़ के डिसिप्लिन अनुशासन खत्म किया जाता है। कई मस्जिदों में नमाज के बाद सड़कों पर हजारों की संख्या में ये मुसलमान समुदाय के लोग सड़कों पर उत्पात मचाते हैं। इस विरोध को लेकर हिंदू जागरण लगातार विरोध प्रदर्शन करता रहा है और आंदोलन करता रहा और ज्ञापन देता रहा है। जिस तरह से हमारे मंदिरों में धार्मिक आयोजनों में भीड़ भरी तो सड़कों पर बैठ के हनुमान चालीसा हुआ तो अलीगढ़ के डीएम ने वहां पर हनुमान चालीसा पर प्रतिबंध लगा दिया। हाथरस में हमारे कार्यकर्ताओं को हनुमान चालीसा करने के बदले में 5-5 लाख के मुआवजे का मुचलका भरना पड़ा। तो ऐसे हिंदू विरोधी मानसिक प्रशासन के लोगों को मैं योगी सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल इनको बर्खास्त किया जाए, अलीगढ़ के डीएम को तत्काल बर्खास्त किया जाए। और अगर ये हमारी सरकार योगी जी की सरकार जो कि हमारी सरकार है अगर डीएम को बर्खास्त नहीं करती तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जाएगा और इन हिंदू विरोधी मानसिकता के प्रशासन के अधिकारी जो हैं जो मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर नहीं उतरवा सकते, सड़क पर नमाज बंद नहीं करा सकते, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को पारित नहीं करा सकते, आदेश को मतलब जनता में पारित कराने के बाद उसको अनुशासन में नहीं ला सकते, तो ऐसे अधिकारी जो मुसलमान समुदाय से डरते हैं इनको पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है, इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भगौर, प्रदेश का महामंत्री, प्रदेश का प्रवक्ता। देखिए, हम लोगों ने ज्ञापन जो दिया है माननीय जिलाधिकारी आगरा को राष्ट्रपति जी के नाम और मुख्यमंत्री योगी जी के नाम कि तमाम स्टेट हाई कोर्ट्स के माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर तत्काल प्रभाव से हटा दिए जाएं, जब्त कर लिए जाएं। लेकिन आज तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी एक लाउड स्पीकर नहीं उतारा। मेरा मानना सिर्फ शासन प्रशासन से यह कहना है कि क्या सारे नियम हिंदुओं पर लागू होते हैं? अगर हिंदू रोड पर बैठकर या मंदिर में ज्यादा संख्या हो जाती है, लोग रोड पर आ जाते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, तो उस पर अलीगढ़ के डीएम तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा देते हैं, सर्कुलर जारी कर देते हैं, और अगर वहां पर डीएम के खिलाफ कोई बात करता है तो तत्काल प्रभाव से हिंदूवादी नेताओं पर मुकदमा लगवा देते हैं। ये कैसी मानसिकता से लोग जो है काम कर रहे हैं? क्या हिंदू यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू डर के रहेगा? क्या अपने कोई भी आयोजन अपने अपने भगवान के अपने आराध्य के जो है हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकता या रामायण भी नहीं पढ़ सकता या माँ दुर्गा का कोई कार्य नहीं कर सकता? ये कैसी व्यवस्था है? ये डीएम पगला गया है? मुझे लगता है डीएम की जो मानसिकता है हिंदू विरोधी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले अगर नियम कायदे की बात करते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का पालन किया जाए। क्यों नहीं पालन हो रहा है? हम तो कह रहे हैं मंदिरों से बैठाइए, हम कह रहे हैं मस्जिदों से हटाइए। इनकी हिम्मत नहीं है कि मस्जिदों पर जाकर के लाउड स्पीकर हटा लें क्योंकि इनको डर लगता है कि हमारे साथ अभद्रता हो जाएगी या कोई हंगामा कर देंगे। लोग डरते हैं, हिंदू कुछ लिबरल है, हिंदू कुछ कहता नहीं, हिंदू के सहारे में कोई भी कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर ले। अभी अब हिंदुओं को इनसे मांग करनी पड़ रही है कि नहीं भाई हमको वो पढ़ने के लिए अनुमति दो, ऐसा संभव नहीं है। ये हमारा देश है, हम चाहेंगे जो करेंगे भाई, हम चाहेंगे मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, उस पर कैसे आप प्रतिबंध लगा सकते हैं? हम घोर भर्त्सना करते हैं अलीगढ़ के डीएम की, उसे बर्खास्त करने की, उसके खिलाफ मुकदमा लिखने की मांग करते हैं। और अगर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन सरकार के नुमाइंदे नहीं करते तो बाध्य होगा हिंदू जागरण में उसको पालन कराने के लिए। अलीगढ़ डीएम हिंदू जागरण मंच वालों ने कोई ज्ञापन दिया है, क्या मांगे होंगे? हिंदू जागरण मंच वालों ने जनपद अलीगढ़ में जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा सड़क पर नमाज या हनुमान चालीसा पढ़ने में जो प्रतिबंध लगाया है उसके विरोध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। सर, कहना यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट जाने चाहिए, जिला प्रशासन का इस पर क्या कहना है? नहीं, जो मस्जिदों और मंदिरों में जो लगाए गए हैं लाउड स्पीकर वो जिला प्रशासन के अनुमति से ही लगाए गए हैं और गत वर्ष से ही इनकी जो है अनुमति जारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश हटाने का सर नहीं है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हटाने का नहीं, उनको जो है राज्य सरकार का उसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा एक विस्तृत आदेश जारी किया गया था जिसमें है कि जो लिमिटेड साउंड के आधार पर जो है ये अनुमति लेकर कहीं भेजा जा सकते हैं, जिनके क्रम में अनुमति यहाँ जारी की गई उसी क्रम में बनाए भेजा जा रहे हैं। लगभग सर कितने मस्जिदों पर लाउड स्पीकर की अनुमति दी गई है जिला प्रशासन द्वारा, कोई जानकारी सर? अभी इस बारे में तो जानकारी नहीं है।